Hi everyone, so we are back again. So today I'm gonna give you a very important information for UGC NT NET exam. आज हम एक ऐसा टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे दैट इज इंडिया लॉजिक, जो कि हमारे UGC NT NET एग्जाम में ऐड हुआ है. सो इस टॉपिक की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ के जानी है टू क्लियर अवर UGC NT NET एग्जाम. सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज वही टॉपिक डिस्कस करेंगे इंडिया लॉजिक के, जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और जो आपके रिवीजन में बहुत हेल्प आएगा. सो लेट्स स्टार्ट दी डिस्कशन. सो दिस इज़ द टॉपिक विच हैज़ बिन एडेड इन अवर UGC NT NET एग्जाम जून 2019, और इस टॉपिक को हम आज एक्सप्लेन करेंगे. हम इसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखेंगे जहाँ से हमारे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं. सो The first slide is India logic, prama and pramanas. तो यहाँ देखिए, ये जो इंडिया लॉजिक टर्म है, इसका जो पार्ट हमें मेनली कवर करना है, जो हमारे सिलेबस में दिया गया, डैट इज प्रमा एंड प्रमानास. तो इनका मीनिंग क्या है, ये टॉपिक क्या है, देखिए इसमें घबराने वाली बात नहीं है. जो टर्म्स हम इंग्लिश में पढ़ चुके हैं लॉजिकल रीजनिंग में, एक तरीके से आप समझिए, वही टर्म्स को थोड़ा अलग से मोल्ड करके हिंदी में दे दिया गया है. सो इसमें डरने वाली या फिर कुछ नर्वस होने वाली बात बिल्कुल नहीं है, हम इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. सो लेट्स सी. सो प्रमा एंड प्रमानास, जो कि इंडिया लॉजिक का पार्ट हमें पढ़ना है, इसका मीनिंग देखते हैं क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट मीन्स हैविंग ट्रू नॉलेज, सही नॉलेज होना, ट्रू नॉलेज होना, प्योर नॉलेज होना, इसका पहला मीनिंग है. उसके बाद आता है इट मीन्स वैलिड नॉलेज, ट्रू नॉलेज के साथ साथ वैलिड नॉलेज भी होना, इसका मीनिंग है कि ट्रू नॉलेज तो है ही बट वैलिड नॉलेज भी होना चाहिए. थर्ड वन इज नॉलेज मस्ट करस्पॉन्ड टू रियलिटी टू पास वैलिड टेस्ट, नॉलेज जो है उसको रियलिटी को पास करना पड़ेगा ताकि वो वैलिड लगे. इसका मीनिंग क्या हुआ, नॉलेज जो है वो रियलिटी से मैच करनी चाहिए ताकि वो क्या लगे, वैलिड लगे. तो यहाँ हम क्या समझ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है इस टर्म का, कि एक तो ट्रू नॉलेज होना, किसी के पास ट्रू नॉलेज है, दूसरा मतलब वैलिड नॉलेज होना, एक नॉलेज वैलिड है, तीसरा मतलब क्या है कि नॉलेज जो है अगर वो रियलिटी से मैच करेगी तभी वो वैलिड मानी जाएगी. सो इफ़ नॉलेज इज़ करस्पॉन्डिंग टू द रियलिटी देन इट इज़ कॉल्ड वैलिड. देन कम्स अप्रामा. अप्रामा वर्ड क्या है, अप्रामा मीन्स अपोजिट ऑफ प्रामा. अगर हम ये सारे पॉइंट कहते हैं प्रमानास के हैं, तो अप्रमा के पॉइंट्स क्या होंगे, जो इसके अपोजिट होंगे, जहाँ पर ट्रू नॉलेज नहीं होगी, जो वैलिड नहीं हो सकता, जो रियलिटी से करस्पॉन्ड नहीं करेगी नॉलेज, उसे हम क्या बोल देंगे, अप्रमा, क्योंकि उसके पास विच डज नॉट पोजेस दी फीचर्स ऑफ प्रमानास. प्रमानास के फीचर्स जहाँ मैच नहीं होंगे उसे हम अप्रमा बोलेंगे. एंड प्रमानास के फीचर क्या हो गए हमारे, True knowledge, valid knowledge, and knowledge must correspond to reality. Now the second one is, which is very important, types of pramanas. अब pramanas कितने type के होते हैं, and इनको क्या बोला जाता है, source of valid knowledge. तो अभी तो हमने खाली topic का introduction पढ़ा है कि उसका meaning क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि pramanas कितने तरीके के होते हैं, कि जो हम valid knowledge की बात कर रहे हैं उसके sources क्या हैं. तो ये तो आपको समझ आ गया होगा डेफिनेशन पहली, उसके बाद वैलिड नॉलेज उसका मीनिंग होता है, अब हम पढ़ेंगे सोर्स. तो ये सोर्सेज हैं उसके, दीज आर द सिक्स सोर्सेज ऑफ वैलिड नॉलेज. सो द फर्स्ट वन इज प्रत्यक्षा, परसेप्शन, देन अनुमाना, इन्फ्रेंस, उपमाना, कंपैरिजन, शब्दा, वर्बल टेस्टिमनी, अर्थापति, इम्प्लीकेशन, देन कम्स द अनुपलब्धि, नॉन एप्रीहेंशन. सो ये हमारे सिक्स के सिक्स सोर्सेज हैं, अब इनको हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या पता इनके फीचर्स में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इनकी डेफिनेशन में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से सोर्सेज हैं, कौन से सोर्सेज नहीं हैं. तो ये छः के जो सोर्सेज आपको याद रखने हैं. तो पहला हमारा आता है प्रत्यक्षा, परसेप्शन. देखिए इनके इंग्लिश मीनिंग के साथ साथ पढ़ते ज़रूर जाइए, आपको पढ़ने में समझने में ईजी लगेगा. तो पहला देखते हैं प्रत्यक्षा का मीनिंग क्या है. इट इज़ द इमीजिएट नॉलेज प्रोड्यूस बाय द इंटरैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड सेंस ऑर्गन्स. अब यहाँ बोला गया है कि ये डायरेक्ट और इमीजिएट नॉलेज है जो कि प्रोड्यूस करी जाती है किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स के थ्रू एंड सेंस ऑर्गन्स के थ्रू. जब हमारे सेंस ऑर्गन्स किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो उससे जो नॉलेज मिलती है डैट इज़ कॉल्ड प्रत्यक्षा. अब इसका हम देखते हैं कैसे होता है. सो अगर यहाँ देखा जाए सेकेंड पॉइंट में,
एलिमेंट्स ऑफ परसेप्शन. अब परसेप्शन के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ये नॉलेज आती कैसे है, यहाँ पर आते हैं चार चीज़ें. सेल्फ, हमारे बारे में बात हो रही है, माइंड, सेंस ऑर्गन्स हमारे, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स. अब ये प्रोसेस कैसे होगा, नॉलेज कैसे मिलती है. द सेल्फ इज इन द कॉन्टैक्ट विद माइंड एंड माइंड विद सेंस ऑर्गन्स एंड दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट्स. अब यहाँ आपको इसका मीनिंग समझ आ जाएगा. जब हमारा सेल्फ का कॉन्टैक्ट होता है हमारे माइंड से, एंड माइंड का कॉन्टैक्ट किससे होता है, सेंस ऑर्गन से, एंड सेंस ऑर्गन्स का कॉन्टैक्ट होता है ऑब्जेक्ट से, तो उससे जो नॉलेज मिलती है, जो इमीडिएट एक उससे रिएक्शन होता है, डैट इज़ बी कॉल्ड प्रत्यक्षा. तो प्रत्यक्षा का मीनिंग हमारे लिए ये है. नाउ द सेकेंड वन इज अनुमाना. अनुमाना मीन्स इन्फ्रेंसेस. देखिए, हमने रिसर्च मेथडोलॉजी में इन्फ्रेंसेस अक्सर पढ़ा है, तो यहाँ घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है. इन नए टर्म्स को देख के, इनके जो इंग्लिश मीनिंग्स हैं, इनसे हम पता लगा सकते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है. सो अनुमाना का मीनिंग है इन्फ्रेंसेस. एंड इन्फ्रेंसेस से हमने क्या सीखा था, दी फैक्ट्स वी यूज टू फाइंड दी हिडन फैक्ट्स. हम उन फैक्ट्स को यूज़ करते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं फाइंड करने में हिडन फैक्ट्स को. सो इन्फ्रेंसेस का मीनिंग सेम होगा अनुमाना में. सो इट इज़ अ नॉलेज विच फॉलोज फ्रॉम दी अदर नॉलेज. ये एक ऐसी नॉलेज है जो कि फॉलो करती है दूसरी नॉलेज से. इसका मीनिंग ये हुआ, आप ऐसी नॉलेज को फाइंड कर रहे हैं जो कि पहले से जो हमारे पास नॉलेज है उनसे निकल रही है. सो इन्फ्रेंसेस का मीनिंग एंड अनुमाना का मीनिंग ऑब्वियसली सेम ही जाएगा. अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड विद एटलीस्ट थ्री प्रमाइसेस. देखिए, यहाँ पर हम हमारा सिलॉजिज्म का लगा सकते हैं एग्जाम्पल. फर्स्ट इज ऑल स्टार्स आर प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स आर गैलेक्सीज. कंक्लूजन क्या आया, ऑल स्टार्स आर गैलेक्सीज. अब देखिए, हमारी जो पहले की दो प्रमाइसेस थी, इससे हमने हमारी थर्ड प्रमाइस निकाली जो कि इन दोनों में हिडन है. तो यहाँ जो हिडन है वो हमारी थर्ड प्रमाइस है. और ये थर्ड प्रमाइस वाला जो प्रोसेस है, इसे हम क्या बोलेंगे, इन्फ्रेंसेस. व्हाई, बिकॉज हमने दो प्रमाइसिस को यूज़ करा, उन फैक्ट्स को यूज़ करा वो फैक्ट्स जानने के लिए जो हिडन है. सो दिस विल बी कॉल्ड इन्फ्रेंसेस. नाउ द सेकंड वन इज उपमाना. सो उपमाना का मीनिंग क्या है, कंपैरिजन. अब देखिए, इसका फीचर क्या है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द सिमिलैरिटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स. उपा मीन्स सिमिलैरिटी, माना मीन्स कॉग्निशन, दैट मीन्स नॉलेज. सो यहाँ देखिए, अब कंपैरिजन का मीनिंग हम सब जानते हैं, उपमाना का मीनिंग सेम है. व्हेन वी सी द सिमिलैरिटीज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जब हम अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए या कोई चीज़ को समझने के लिए उनकी सिमिलैरिटीज देखते हैं दो ऑब्जेक्ट्स की, टू गेन नॉलेज, तो इसका मीनिंग होता है उपमाना. सो उपमाना में हम नॉलेज कैसे डिराइव करेंगे, कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स और टू थिंग्स. नाउ द फोर्थ वन इज शब्दा. सो शब्दा का मीनिंग क्या होता है, अब देखिए, शब्दा से हम शब्द वर्ड निकाल सकते हैं. शब्द वर्ड डिराइव होता है, शब्द मतलब है वर्ड, वर्बल. यहाँ बात होती है वर्बल टेस्टिमोनी की, जिसका मीनिंग है, इट मीन्स वर्बल नॉलेज. सो यहाँ पर सोर्स क्या हुआ नॉलेज का, वर्बल हुआ. मीन्स द नॉलेज डैट वन डिराइव्स फ्रॉम वर्ड्स, स्पीकिंग, सेंटेंसेस. वो नॉलेज जो हम डिराइव करते हैं बोलने से, सेंटेंसेस से, स्पीकिंग से. बट नॉट ऑल वर्बल नॉलेज इज़ वैलिड. बट सारी वर्बल नॉलेज वैलिड नहीं होती, वही वैलिड होगी जो कि रिलायबल हो या फिर एक्सपर्ट्स के थ्रू में. नाउ द फिफ्थ वन इज अर्थापति. तो अर्थापति में क्या होता है, इम्प्लीकेशन को हम क्या बोलेंगे. यहाँ का मीनिंग होता है, नॉलेज इज़ डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ सर्कमस्टांसेस. जब नॉलेज हम डिराइव करते हैं सर्कमस्टांसेस के थ्रू, सिचुएशंस के थ्रू, उसे कहते हैं अर्थापति. तो यहाँ पर क्या आता है, इट रिक्वायर्स टू थिंग्स. यहाँ पर दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है इन दिस पार्ट. क्या क्या, फर्स्ट इज़ ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, जब हम कोई फैक्ट को ऑब्जर्व करते हैं. दूसरा, पॉस्टुलेशन बेस्ड ऑन दैट फैक्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम कोई चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, कोई फैक्ट को ऑब्जर्व करेंगे. एंड सेकेंडली, हम उस ऑब्जर्वेशन से अपना कोई पॉइंट निकालेंगे, कोई दूसरा फैक्ट निकालेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द सन इज विजिबल, द स्काई इज नॉट ओवरकास्ट. अब यहाँ देखिए, अगर सन विजिबल है तो स्काई तो आ नहीं पाएगा. तो यहाँ पर हमने हमारे पहले ऑब्जर्वेशन से दूसरा ऑब्जर्वेशन निकाला, वी फाउंड दी इम्प्लीकेशन. सो इसका मतलब कहते हैं अर्थापति. नाउ द लास्ट वन इज अनुपलब्धि. अनुपलब्धि से क्या समझते हैं हम, नॉन एप्रीहेंशन. देखिए, कुछ चीज़ें हमें एकदम समझनी पड़ेंगी बेसिक से, दैट
जब कोई चीज़ में सेंस ऑर्गन्स यूज़ हो जाते हैं उसको पॉजिटिव माना जाएगा, और जहाँ पर नहीं यूज़ हो रहे हैं उसको नेगेटिव फैक्ट्स बोला जाएगा. सो इन द फैक्ट्स विच कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय परसीव्ड बाय अवर सेंसेज दे विल बी कॉल्ड पॉजिटिव फैक्ट्स, एंड द फैक्ट्स विच कांट बी परसीव्ड बाय अवर सेंसेज दैट विल बी कॉल्ड नेगेटिव फैक्ट्स, जो कि गलत माने जाएंगे. तो यहाँ पर देखा जाए जो अनुपलब्धि है, नॉन एप्रिहेंशन, इसका मीनिंग ही ये है. इट मीन्स नॉन रिकॉग्निशन, नॉन परसेप्शन, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ थिंग. इट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय अवर सेंसेस, जो कि सेंसेस से परसीव नहीं हो सकता. इट मीन्स उन चीज़ों का नॉलेज जो कि नेगेटिव फैक्ट्स है, बिकॉज इट कैन नॉट बी कॉन्टैक्टेड बाई दी सेंसेज. इट इज़ अ काइंड ऑफ नेगेटिव प्रिडिक्शन. तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखने हैं. कई बार इन फीचर से भी क्वेश्चन आ सकता है. सो अनुपलब्धि मीन्स when there is non-recognition, when it cannot be perceived by the senses, when there is a negative prediction. तो ये जो सारे points जो हमने अभी पढ़े हैं, ये सारे हमारे प्रमाणास के अंदर आते हैं. ये जो 6 sources of knowledge है, ये हमारी प्रमाणास के अंदर आती है, जिनसे questions हमारे exam में इस बार बन सकते हैं. तो जो इनके basic points हैं, जो इनके basic differences हैं, ये ज़रूर याद करके जाइए. And do not get panic because ये topic अभी new add हुआ है. इनको समझने की कोशिश ज़रूर करें. जो इनके इंग्लिश में टर्म्स हैं, हमने वो पहले से पढ़े हुए हैं. सो वी कैन अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स, हम इनका आइडिया लगा सकते हैं इन चीज़ों में. सो ये टॉपिक प्रिपेयर करके ज़रूर जाइए. सो दिस वॉज अबाउट द इंडिया लॉजिक जो हमने आज पढ़ा है. इसके जो हमने बेसिक डिफरेंसेज और जो इसके सोर्सेज ऑफ नॉलेज बताए हैं, दीज आर दो 6 sources, वो ज़रूर पढ़ के जाइए, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. उनके फीचर्स, उनके डेफिनेशंस पूछे ज़रूर जा सकते हैं. एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है. Thank you for watching the video. Subscribe to our channel and press the bell icon. All the best.